हेलो, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है भाई अपने ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि माइनक्राफ्ट में बाथरूम कैसे बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल विद बबल्स। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई, बाथरूम के लिए कोई तो भी अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई। मतलब अपना बाथरूम यार, ऐसे इधर उधर थोड़ी ना बना देंगे। मतलब कोई तो ऊंचाई पे भाई कतई लगना चाहिए भाई अपना बाथरूम में। ये देखो एक कोल पड़ा हुआ है रात में जो घूमते हैं भाई। तो यही पे बनाते हैं भाई अपना एकदम सेक्सी सा बाथरूम। सेक्सी सा मतलब देखते भाई सेक्सी सा होता भी है या नहीं। लेट स्टार्ट। तो भाई पहले आप लोग को 3x4 में मतलब गड्ढा खोद देना है, जैसे मैं खोद रहा हूँ। ठीक है, 3x4 ये ना। ठीक है, 1 2 3 4। बिल्कुल भाई ऐसे ही। और गड्ढा खोलने के बाद देखिए भाई आपका गड्ढा भी बिल्कुल सेम ऐसा ही लगना होना। तो आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी। मैं क्रिएटिव में बना रहा हूँ भाई, तो थोड़ा आसान होगा। सर्वाइवल में तो वैसे इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस मैं अभी फैंसी बनाएंगे यार। मतलब क्रिएटिव में तो क्या ही बनता। तो वाइट कॉन्क्रीट लीजिए, ठीक है। और वो जो पर्पल कलर के डब्बे दिख रहे हो, रेड स्टोन लगेगा। स्टी पिस्टन, ठीक है। मैं यहाँ से गलती से ऑरेंज पिस्टन उठा लिया, सिंपल वाला। आप स्टिकी पिस्टन उठाएगा, मैं वो चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। रेड स्टोन रिपीटर, क्या भाई घर वाले भी यार मतलब कतई रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दे रहे, ठीक है। दो लीवर भी उठाएगा। और फिर कुछ नहीं भाई, और क्या है, और मजे कीजिए भाई बाथरूम के। हाँ, और एक चीज़ भाई, मेन चीज़ रह गई बबल्स के लिए। तो आप सर्च के डब्बे में जाएगा और सोल सैंड नाम से एक सर्च कीजिएगा, ठीक है। सोल सॉइल नहीं, सोल सैंड, उसको भी ले लीजिए। बिल्कुल भाई अपना मॉर्टर का सोल, उसकी आत्मा है भाई सैंड के अंदर, ठीक है। जो बबल्स क्रिएट करती है बिल्कुल तेजी से, ठीक है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, क्या जाता है मतलब, ठीक है। ऑर्डर रखिएगा भाई स्टिकी पिस्टन, ठीक है। और हाँ भाई, मतलब एक बाल्टी पानी भी लगेगा भाई। एक बाल्टी नहीं, बहुत बाल्टी लगेगा, ठीक है। 7-8 बाल्टी तो भी लग ही जाएगा पानी। वो मैंने अभी उठाया नहीं है, बाद में उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। गट्टर खंदर पे क्या, आप गट्टर खंदे पे देखेंगे भाई लोग अपना गट्टर खंद के हो गए। इतना ही गड्ढा भाई, मतलब बहुत हो जाएगा इतना ही, ठीक है। तो भाई अभी जो कॉर्नर है भाई, उसके लिए हम लोग लगाएंगे भाई अपना कॉर्नर। तो भाई अभी एकदम सिंपल तरीके से भाई चारों बाजू को जो है अपना कॉन्क्रीट लगा दीजिए भाई, वाइट कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इससे भाई बाथरूम में पता ही अच्छा लगेगा यार, वाइट बाथरूम में। मतलब ये मैं ओपन में बना रहा हूँ, मतलब ओपन में ही बना रहा हूँ भाई। आप अपने घर में बनाइएगा, ओपन में बाथरूम अच्छा नहीं दिखता यार, कहाँ ना आने जाओगे यार ओपन में। ठीक भाई, तो दो लेयर छोड़ कर भाई आपको सोल सैंड लगा लेनी है। ये आपको निकालनी है बाद में, ठीक है। ये निकालनी है, लेकिन दो लेयर छोड़ के लगा दीजिए, ताकि आपको समझ जाए कि बबल्स कहाँ से निकलेंगे। आपको बताऊँगा मैं वो कैसे काम करते हैं। अभी स्टिकी पिस्टन हाथ में लीजिए भाई, लेना है हमको, ठीक है। मैं चेंज कर रहा भाई, क्या ही करें भाई, मैंने वो लिया नहीं था, मैंने सड़ा हुआ पिस्टन लेकर रखा था। तो सोल सैंड निकालिए भाई वहाँ से, और मतलब उसके बराबर भाई नीचे स्टिकी पिस्टन लगाए, ठीक है। उसके नीचे वाले इसमें, ठीक है, एक निकालिए, ठीक है। तो भाई बराबर वैसे ही जैसे अपन हम लोगों ने दो लगाए, वैसे भाई सब लगाइए। सोल सैंड निकाल निकाल के उसके नीचे भाई स्टिकी पिस्टन लगाते जाइए, जैसे मैं लगा रहा हूँ। It's made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh yeah. Stings the nostrils in a good way. Yeah. ठीक है भाई, तो स्टिकी पिस्टन के बाजू का भाई बॉक्स तोड़े जैसे मैं कर रहा हूँ, और पूरा स्क्वायर बनाइए भाई। उसके बाद भाई ठीक है भाई, पहले स्क्वायर तो बनने देते हैं। स्क्वायर बन गया, मतलब बराबर बाजू का ही बॉक्स तोड़ना है। उसके बाद भाई उसके ऊपर रेड स्टोन डालिए बराबर उसके बाजू को, उसके ऊपर नहीं डालना है, ठीक है। नहीं तो आपका रेड स्टोन जाएगा भाई। पहले सर्वाइवल में करेंगे तो भाई रेड स्टोन बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो भाई अभी लीवर की बात आती है भाई, अपन लोग लीवर बनाएंगे। तो बराबर भाई कुप्चे में एक बॉक्स तोड़ेगा, ठीक है। फिर मतलब सीढ़ी टाइप भाई ऊपर का और ऊपर का ऐसे ही चलते दीजिए, और उसके ऊपर रेड स्टोन रखिए, ठीक है। और ऊपर जाके भाई उसके ऊपर भाई लीवर रख दीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर लीवर, क्या अभी अंधेरा हो गया था यार इधर, तो मैं सो के आया। तो भाई ठीक है, सोने के बाद भाई देखिए अभी अपना पिस्टन देखो भाई कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर आ रहा, तो अभी मैं बताऊंगा भाई सोल सैंड का क्या उपयोग करना है।
ठीक है भाई। तो आपका स्टिकी पिस्टन वर्क करने के बाद आप लोग को हर एक स्टिकी पिस्टन के ऊपर भाई सोल सैंड रखनी है, ठीक है। जैसे वीडियो में मैं रख रहा हूँ बिल्कुल भाई सेम, कोई गलती नहीं, कोई इधर उधर नहीं रखेगा। और ध्यान रखिएगा भाई कि रेडस्टोन के ऊपर कुछ ना रखें आप, नहीं तो भाई कुछ घंटा कुछ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। रेडस्टोन के ऊपर कुछ नहीं रखना है, ठीक है, वो पूरा वर्क वैसे के वैसे ही रहना है। और भाई इस तरह से देख, जैसे वीडियो में वर्क कराएं, आपकी सोल सैंड भी ऐसे ऊपर आनी चाहिए। ये अपन अपने रेडस्टोन को स्लैब से ढक देंगे, ठीक है। वुडन स्लैब ही लीजिएगा भाई, सस्ते में मिल जाता है, सस्ती चीज़ें, ठीक है भाई, सस्ती चीज़ें अच्छी रहती है। मतलब पहले भाई माइनक्राफ्ट में बहुत तंग थी, ठीक है भाई। देखो मैंने एक गलती कर दी जो मैं आपको बताने वाला था, कि ये गलती मत कीजिएगा। रेस्टोन के ऊपर भाई कभी स्लैब नहीं रखेगा, ठीक है, एक बॉक्स खाली रहने दीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने रहने दिया। ओके, तो अपन अभी लोग अपना सस्ता मशरूम भाई अट्रैक्टिव देखने के लिए उसके जो थर्ड लेयर है भाई उसके ऊपर भाई कॉन्क्रीट लगा देंगे बिल्कुल आसानी से। अंबुजा वाला है भाई, सलमान भाई वाला, ठीक है। भाई तो अभी आप लोग को हर फर्स्ट ब्लॉक पे पानी डालना है भाई, हर ब्लॉक पे, ठीक है, नीचे नहीं, मैं पहले बोल रहा, फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट लेयर पे पानी डालना है हर, ठीक है। और भाई बिल्कुल भी गलती होनी चाहिए, लेकिन अभी देखिए भाई अपना बबल पूल मतलब तैयार है यार, मशीन मतलब पूरा तैयार है, देख सकते हो भाई बटन दबने पे इस तरह से बुलबुले निकल रहे हैं और बंद करने पे नहीं निकल रहे भाई, ठीक है। और मैं फिर से बता देता हूँ भाई फिर से कि भाई फर्स्ट ब्लॉक पे डालना, और अभी पहले डिज़ाइन कर लेते भाई, मतलब क्यों नहीं, वाई नॉट भाई, ठीक है भाई। अपन लोग इधर को पर्पल कलर की ये लगा देंगे भाई चारों तरफ से बिल्कुल ही, मतलब ठीक दिखना चाहिए ना, लगना चाहिए यार अपना है बाथरूम। तो भाई आप लोग भी मतलब अपनी तरफ से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, ये भी सही है यार, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा दिखेगा यार। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you. तो भाई अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब नेचुरल डेकोरेशन कैसा करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब तो दबा के,